कहते हैं कि शुरुआती शिक्षा जीवन का आधार तय करती है और कुछ ऐसा ही प्रयास आगरा जिला जेल प्रशासन ने भी किया है। आगरा जिला जेल प्रशासन की पहल से बच्चों को शिक्षा नसीब हो रही है। दरअसल जिला जेल में सजा काट रही महिलाओं के साथ 26 मासूम भी हैं। बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए जेल प्रशासन 6 बच्चों को शिक्षा के लिए स्कूल भेजता है। रोज सुबह बच्चे जेल में तैयार होते हैं और फिर दूसरे बच्चों की तरह खुशी खुशी स्कूल जाते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? क्या क्या आता है? और क्या आता है? और छोटा वाला। और बहुत पढ़ा जाते हो? क्या आता है आपको? कैसा लगता है आपको पढ़ना? अच्छा। कौन सा लगता है? सुबह सुबह जाते हो? रोजाना पढ़ने जाते हैं? क्या पढ़ना चाहते हो? और पढ़ोगे? और पढ़ना जाते हो? आगरा जिला जेल में 115 महिला बंदी। जेल प्रशासन के प्रयासों से बच्चों को शिक्षा मिल रही है। महिला कैदी भी जेल प्रशासन की पहल से काफी खुश है। उधर जेल अधीक्षक के इन प्रयासों को काफी सराहा जा रहा है। आज छोटे छोटे बच्चों को देख करके मेरे मन में पूजा आती थी कि अगर हमारे बच्चे होते तो हम उन्हें बाहर 3 साल के 2.5 साल में एजुकेशन के लिए भेजते और 6 साल तक के चूंकि बच्चे जेल में अपने माँ के साथ रह सकते हैं तो यहाँ भी उनका वो विकास नहीं हो पा रहा था, पूर्ण व्यक्तित्व का विकास, और न उनकी मेन जो नींव थी वही कमजोर हो रही थी। इसलिए मेरे मन में विचार आया कि इन बच्चों को कोई दोष किया नहीं है, बिना किसी दोष के जेल में निरुद्ध है तो इनको क्यों ना बाहर पढ़ने के लिए प्रयास किया जाए। इन बच्चों में से कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई पुलिस ऑफिसर। अक्सर कानून व्यवस्था और सुरक्षा के मुद्दे को लेकर सुर्खियों में रहने वाले जेल प्रशासन की ये पहल काफी सराहनीय है, जिससे आज सामान्य बच्चों की तरह जेल में रहने वाले बच्चे शिक्षा हासिल कर पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टेट।